राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसंगिक संगठन भारतीय शिक्षण मंडल के सम्मेलन में भाग लेने ताज नगरी आगरा पहुंचे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने कहा कि धर्म पर आधारित व्यवस्था को मानते हुए देश तरक्की के चरम बिंदु पर पहुंच रहे हैं और धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था का आवरण तोड़कर उन चीज़ों को धर्म से अलग करके एक नई व्यवस्था का स्वप्न देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि धर्म का मतलब अच्छी चीज़ों को धारण करना है, सदाचार को धारण करना है और सदाचार को धारण करके उसका विस्तार करना आवश्यक है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा आज ताज नगरी आगरा में आगरा कॉलेज के गंगाधर शास्त्री सभागार में कार्यक्रम का शुभारंभ करने के बाद सम्मेलन में शिरकत करने आए शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे। प्रोफेसर दर्शनलाल अरोड़ा जी और अवध विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी, उपस्थित सभी महानुभाव, मैं भी पद्धति का को आत्मसात करने का उपक्रम संपूर्ण विश्व में एक चर्चा का विषय बना है। मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी में और मेरे मन में जिज्ञासा थी कि विश्व में अन्य जगहों पर जो शिक्षा का पठन पाठन है वो किस प्रकार से होता है। मैं उनके कुछ क्लासेस को पढ़ाई का सिस्टम देखने के लिए गया और जब मैं वहां पहुंचा तो जैसे आजकल टेलीविजन पर आता है अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति, तो उस प्रकार का एक परस्पर संवाद का कारण विद्यार्थियों के बीच में चल रहा था, अमेरिका के, फ्रांस के, जर्मनी के, जापान के और कुछ पीछे देख रहे थे कुछ भारत के भी विद्यार्थियों पर बैठे और प्रश्न पूछते थे और उनका उत्तर विद्यार्थियों को देना होता था और विद्यार्थी के पास में ऑप्शन होता था कि अगर उसको खुद नहीं आता तो किसी से पूछकर उसका उत्तर दे सकता है। और मुझे देखकर यह सुखद आश्चर्य हुआ कि जब कोई प्रश्न ब्लैक बोर्ड पर आता था तो जो अमेरिका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन के विद्यार्थी होते थे दुनिया के अन्य देशों के, वो पीछे जाते थे। जो भारतीय मूल के दो विद्यार्थी पीछे बैठे थे उनसे जाकर प्रश्न कान में कुछ पूछते थे और उत्तर दे देते। क्लास समाप्त होने के बाद, परीक्षा समाप्त होने के बाद मैंने उसे पूछा उन विद्यार्थियों से भी आपसे पूछते क्या है, उन्होंने कहा सर आज पूरी दुनिया में एक बात घर कर गई है कि अगर किसी भी कठिन प्रश्न का उत्तर कोई न दे पाए तो यूनिवर्सिटीज में हम लोग तलाशते हैं, लोग तलाशते हैं कि किसी भारतीय मूल के किसी इंडियन बच्चे को पकड़ो वो आपके प्रश्न का उत्तर दे। डॉक्टर एमपीएस ग्रुप के अध्यक्ष स्क्वाड्रन लीडर एके सिंह ने स्वागत अभिभाषण में सभी गणमान्य अतिथियों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक समाज के आदर्श हैं और वो अपने अनुकरणीय कार्यों से जो मापदंड स्थापित करते हैं पूरा समाज उनका अनुसरण करता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक राष्ट्र की नींव हैं और एक राष्ट्र तभी समृद्धशाली बन सकता है जब वो अपने शिक्षकों का सम्मान करे। और मुझे जानकर ताज्जुब हुआ जो है वो 19% है, 21% के आसपास यहाँ पर डॉक्टर्स हैं जो भारत से आए हैं और यहाँ पर चिकित्सा का काम कर रहे हैं। देखने में आता है कि जो भारत के लोग हैं हिंदुस्तान में रहने के बाद विदेशों में जाकर वहां के सिस्टम को ठीक करने का काम कर रहे हैं। हमारे वहां ऐसा क्यों नहीं हो सकता? मैं उन्हीं मूल बिंदुओं पर इसके लिए फिर से वापस जाता हूं। मैंने कई उदाहरण माननीय कृष्णपाल जी के श्री वचनों में मैंने सुना। माननीय मुकुल जी ने उन सारे संदर्भों को योग से लेकर और आयुर्वेद तक की पद्धति को विश्व के अपनाने के उपक्रम को बताया और आज ये सही चीज है। बहुत समय के अंतराल के बाद में दुनिया ने फिर से भारत की उन प्राचीन परंपरा और सिस्टम को अपने वहां अपनाने की कोशिश की है। जो नाम है भगवान जी नाम है, रामेश्वर नाम है, सुमेश्वर नाम है, अगर आप किसी से पूछ लो जाते तो शायद आपसे बात नहीं करेंगे। भारत से जब अंग्रेज यहां से गुलाम बनाकर लोगों को अपने वहां गन्ने की खेती के लिए मॉरिशस ले गए तो एक जात विशेष के लोगों को उन्होंने यहां से वहां पर ले गए और वो जात व्यवस्था उन्होंने वहां पर मॉरिशस में जाकर समाप्त करी
अपने सिस्टम को, अपनी भारतीयता को, अपने जीवन की पद्धति को गंगा जी से गंगा जल ले जाकर उन्होंने क्यूपी में गंगा तालाब बनाया। हर घर के बाहर शिव मंदिर वहां पर दिखाई पड़ेगा। मैंने वहां के लोगों से पूछा, ऐसा क्यों करते हो आप? उन्होंने कहा, हम लोग विश्व गुरु थे, हम मॉरिशस में आए हैं, मॉरिशस की रक्षा और उसके प्रति कर्तव्य हमारा प्रथम धर्म है। तो श्रद्धा के साथ में जाकर जल को चढ़ाते, यानी हमारे धर्म पर आधारित व्यवस्था को मानते हुए देश तरक्की के चरम बिंदुओं पर पहुंच रहे हैं और हम धर्म निरपेक्ष व्यवस्था का आवरण ओढ़कर उन चीजों को धर्म से अलग करके एक नई व्यवस्था का स्वप्न देखना चाहते हैं। धर्म का मतलब, धर्म का मतलब है अच्छी चीजों को धारण करना, सदाचरण को धारण करना, और सदाचरण को धारण करके उसका विस्तार अन्य स्थानों पर करना। लेकिन आज की व्यवस्था में हम प्राचीन संदर्भों में जो धीरे धीरे जाने लगते हैं, तो हमें उस सिस्टम को, उस परिवर्तन को क्रमागत रूप में देखने का अवसर मिलता है। पहले गुरुकुल था और गुरुकुल की व्यवस्था में आज की तरह नहीं था कि ड्रेस पहन कर आओ। ड्रेस पहन कर आओ का मतलब क्या है कि इसमें अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा, राजपाल का बच्चा, चपरासी का बच्चा अलग अलग न दिखे। गुरुकुल की व्यवस्था में यही था, गुरुजी राजा के बच्चे को भी वही पढ़ाते थे जो एक गरीब के बच्चे को भी पढ़ाते थे। पिता का, माता का प्रणाम से प्रणम्य भाव को लेकर जो प्रारंभ में व्यवस्था होती थी, गुरुओं के संदर्भ में जाकर, उनके श्री चरणों में जाकर निवेदन करते हुए उनका आशीर्वाद प्राप्त करने पर वो एक अलग व्यवस्था बन जाते। वो सिस्टम खत्म हुआ और सिस्टम में आज के आधुनिक परिवेश में वो कहानी और किस्से जिनको हम लोग बचपन में हमारे माता पिता सुनाते थे और कहते थे कि एक श्रवण कुमार हुआ करते थे जिन्होंने माता पिता को कांवर में लेकर पूरा भ्रमण कर डाला। मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे जो पिता की आज्ञा पर, माता की आज्ञा पर 14 वर्ष के वनवास को चले गए। हम उन संदर्भों को सुनकर शिक्षा को प्राप्त करते थे। कुबलड़ी मर्दानी उनको झांसी वाली रानी थी, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, वो चीतक के बारे में, यानी घोड़े तक की व्यवस्थाओं के बारे में इतिहास के पन्नों में, कोशों में वो विषय आया करते थे। समय के परिवर्तन के साथ साथ उस सांप्रदायिकता के बताने वाले के अंदर से गुड़कर बन गए। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने डॉक्टर एमपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन एवं स्क्वाड्रन लीडर एके सिंह को काफी सम्मान दिया और उनसे काफी देर तक वार्ता भी की। उसको अंग्रेजों ने विकृत करने का प्रयत्न किया लेकिन विकृत नहीं कर पाए। और आज दुनिया जब हमारी तरफ देखती है कि शांति की खोज कहां करो, तो भारत की ओर देखना चाहती है। मैं एक संदर्भ को ले रहा था कि अमेरिका में बच्चों पर एक शोध प्रारंभ हुआ था। मैं 2000 में वहां पर था, सन 2000 के आसपास, 2002 के आसपास वहां पर एक शोध प्रारंभ हुआ था और वो खत्म हुआ अभी 2008 में। 6 वर्षों तक एक शोध चला और शोध का विषय था कि अमेरिकन बच्चे जो 15 साल के, 14 साल के, 13 साल के बच्चे हो जाते हैं, वो हाथ में स्टेन गन लेकर शराब के नशे में या विभिन्न प्रकार के नशे की गोलियों को खाकर बर्बाद क्यों हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां समय से पहले ही वैवाहिक परिदृश्य में क्यों प्रविष्ट हो जाती है। यानी व्यक्ति केवल मानव तक सीमित नहीं रहता था, पशु पक्षी और प्रकृति के साथ तारतम्य को जोड़ते हुए बोलता है हिंदुस्तान का व्यक्ति कि प्राणियों में सद्भावना, मानव का कल्याण हो, मानव कौन, हिंदुस्तान में रहने वाला मानव भी है। और शिक्षा का ये परिमार्जन शायद आज इसी कारण से हम विश्व गुरु बने थे। लेकिन विश्व गुरु के इस परिदृश्य में हम लोगों ने देखा कि धर्म को लोग बोलते हैं आज कि धर्म से आप ना करो। आज तमाम तरीके से होता है, वृक्षारोपण लगाओ, वृक्ष को लगाओ। हम लोग सरकार के अब मुख्यमंत्री के रूप में बना तो पूछा प्राप्ति क्या होगी, पर्यावरण का संतुलन क्या होगा। बोले साहब नदी के किनारे नदी का को विरजित किया जाए, स्वच्छ रखा जाए, तो समाप्त हो गई। और हमने धर्म का आचरण न करने वाला जो दुराचारी होगा उसको जीवन भर स्वीकारा नहीं, ये दशहरा का उत्सव मनाकर रावण का पुतला फूट कर उसका प्रतीकम कर देते। लेकिन धर्म बदल गया, पीपल का पेड़ दिखा, कहा ब्रह्मदेव बाबा रखे इसको मत काटना, हाथ जोड़कर ब्रह्मदेव बाबा अनिष्ट ना करते, इसे नमस्ते करना है। इस कार्यक्रम में बीजेपी के नेता व संघ के पदाधिकारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।
तो कैसे बनूंगा? और टीचर बनने के लिए मैं 3-4 वर्ष की अवस्था में मैं हाई स्कूल अल्टर की किताबें पढ़ रहा था। तीसरे में मैं दूसरे या तीसरे में मैं जब पहुंचा तो हाई स्कूल अल्टर की किताबों पर महारत मिलते फिलहाल ये मेरा सौभाग्य था। और बचपन में मुझे गोदी उठा के गुरु जी लोग खोल देते कपड़े पहन के मैं वहां पर पहुंचा। उसमें मैं एक बड़ी प्रतियोगिता में पास होकर एक अधिकारी के रूप में मुझे ज्वाइन करना था तो मैं एनओसी लेने गया। मैं उनकी तरफ से बोलने लगा, चश्मा उठाकर दिया और दूसरे लोगों से मैंने प्रतिकार किया कि आप क्यों आए हैं, तो इलेक्शन की ड्यूटी में लग रहा है, पढ़ाएगा कौन? अब जब पढ़ाएगा नहीं तो शिक्षक पढ़ाएगा नहीं, क्लास लगेंगे नहीं तो नकल करेंगे।